गाइस कैसे हैं आप सब, मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके बता दो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं चेक स्वामी का एक नया एपिसोड। और गाइस 2019 जा रहा है तो मैंने सोचा आपसे बात करते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो कि नया फोन लेने की सोच रहे हैं, उनका बजट शायद होगा 12,000 के अंडर। और वैसे भी इंडिया के अंदर ना सबसे ज्यादा जो परचेज किया जाता है डिवाइसेस वो होते हैं 10,000 से 12,000 के बीच में। तो मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है आपके लिए जो कि यार मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइस है। अब यार देखा जाए आज के टाइम पे ना जब गेमिंग के बारे में बात आती है तो पबजी देखी जाती है, और ये फोन जो है ना वो पबजी इससे बढ़िया फोन में नहीं चल सकती। मतलब और कोई फोन ऐसा है ही नहीं जो कि ऐसी पबजी चलाए 12,000 के अंडर। ये है वीवो का U20 और ये जो है खास करके उन लोगों के लिए बना है जो कि यार परफॉर्मेंस को नंबर वन प्रायोरिटी पे रखता है। तो मैं इसको रखता हूं यहाँ पे नंबर वन पोजीशन पे अगर आप बात करें टॉप फोन की जो कि 12,000 में ले सकते हैं। अब मैं रीजंस बताता हूँ अगर आप इसे क्यों परचेज करेंगे, इसमें क्या खास बातें हैं, एंड डेफिनेटली आपको भी लगेगा हाँ यार वीवो U20 के बारे में जो मैंने कहा वो डेफिनेटली सच है। वीडियो के लिए थोड़ा सा लेट हूँ, कोई बात नहीं यार, अब वीडियो फोन को मैंने यहाँ पे कर लिया है, एकदम अच्छे से कर लिया एक्सपीरियंस, अब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं इस फोन का जो मेजर हाईलाइट है वो इसका प्रोसेसर ही है। अब यहाँ पे ना स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 675 मेरे हिसाब से और किसी फोन में देखने को नहीं मिलेगा इस बजट के अंदर, और ना ही इससे अच्छा कोई प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस बजट के अंदर। अब स्नैपड्रैगन 675 का मतलब ये है कि आपको यार यहाँ पे जनरल टास्क में तो कभी दिक्कत आने नहीं वाली, बट यहाँ पे पबजी खेलते हुए भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि मैंने पबजी के अलावा अदर गेम्स भी यहाँ पे खेलकर देखी, S9 PES, पर यहाँ पे जो मतलब नंबर वन प्रायोरिटी होती है वो पबजी होती है, और ये फोन पबजी को बिना किसी लैग के रन करता है। पास्ट में मैंने स्नैपड्रैगन 675 को यूज़ किया है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुआ था प्रोसेसर से, बट इस प्राइस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आएगा। मैं वीवो को हैट्स ऑफ यहाँ पे कहूँगा, वीवो ने काफ़ी अच्छा काम किया। और यहाँ पर परफॉर्मेंस को इवन की बढ़िया करने के लिए UFS 2.1 की स्टोरेज को यूज़ किया गया है, जिसके कारण बूट टाइम्स एकदम फास्ट हो जाते हैं, गेम्स आपकी बहुत जल्दी से ओपन हो जाती हैं। तो मेरे को डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच लगी यार। मैं डिस्प्ले के बारे में बताऊँ, डिस्प्ले भी इस प्राइस पॉइंट पे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना वो HD पैनल दे रहे हैं, पर इसमें आपको Full HD पैनल देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले की क्वालिटी जो है ना वो एकदम बढ़िया है। कंट्रास्ट लेवल हूँ, चाहे वो कलर्स के बारे में बात करूँ, चाहे मैं व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात करूँ, ये डिवाइस की डिस्प्ले मेरे को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, मिनिमल बेजल्स है, और क्या चाहिए। एंड प्लस यार यहाँ पे इसका डिज़ाइन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा कि यार परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो डिज़ाइन अच्छा नहीं है, नहीं, इसके जो ग्रेडियंट्स है आप हाथ में देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसके ग्रेडियंट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। कैमरा प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर एकदम सही पोजीशन पे है, वीवो की ब्रांडिंग राइट साइड पे है जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यार ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना फोन को बहुत ही अर्गोनॉमिक बनाया गया है, हैंडी है, 5000 mAh की बैटरी है जो कि अगेन परफॉर्मर्स के लिए गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मद्देनजर रखने वाली बात है यार। मतलब इतनी ज़्यादा बैटरी, हैवी गेमिंग करोगे तब भी पूरा दिन निकाल जाएगा यार, और मॉडरेट यूजेज पे तो डेढ़ दिन निकाल सकते हो, बैटरी बहुत ज़्यादा है। और कभी चार्जिंग करनी भी पड़ती है तो यार 18 वॉट्स का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि यार बैटरी भी बड़ी मिल रही है, और बैटरी चार्ज करनी है तो वो भी एकदम फास्ट एंड फास्ट है, और वो भी बॉक्स में, एक्स्ट्रा नहीं खरीदना भैया, तो मेरे हिसाब से यार कमाल नहीं कर रहे। तो यार ऐसी चीज़ें 12,000 में मज़ा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक और बढ़िया चीज़, आपको कैमरा में भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है। पीछे की साइड 3-3 कैमराज हैं जहाँ पर हमें स्टैंडर्ड कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि यार बहुत ही अमेजिंग है, एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बात करें क्वालिटी की तो यार फोटोज़ काफ़ी शार्प आती हैं, डिटेलिंग्स पूरी हैं, और यहाँ पे वाइट बैलेंस और एक्सपोजर को अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। नहीं तो यार बैक कैमराज इस बजट में अगर देखा जाए इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते, इसकी इमेज क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आपको बजट में बढ़िया मिल रही है। और इसी के साथ 4K रिकॉर्डिंग हो जाती है, स्लो मो है इस डिवाइस में, AR स्टिकर्स मिल जाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सेल्फी के बारे में बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी अगेन है इसके अंदर, और ये जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा AI के साथ आता है, अच्छी सेल्फीज खींच रहा है, एक्सपोजर लेवल एकदम परफेक्ट रखता है, और वाइट बैलेंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है भाई साहब, सेल्फीज शार्प डिटेल्स के साथ, मजा आया मुझे सेल्फीज लेने में भी। तो यार ये फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, दोनों के लिए ही फोन काफी बढ़िया निकल गया है।
बाकी यार इसमें रैम के बारे में बात करूं तो LPDDR4X की यहाँ पे रैम लगी हुई है और मतलब मजेदार है, रैम भी काफी फास्ट है तो आपको रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छी मिल जाएगी। उसी के साथ बता दूं रिवर्स चार्जिंग, भैया 5000 mAh की बैटरी है तो इसे आप पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। साथ में कोई और फोन है डेड हो रहा है और उसमें बैटरी पड़ी है वो ज्यादा जरूरी है तो रिवर्स चार्ज कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर 3D डिजाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजाइन बहुत प्यारा है। एंड लास्ट चीज जो मैं बताऊंगा, इस फोन को मैं वैल्यू फॉर मनी कह सकता हूँ क्योंकि यार मतलब 12000 के अंडर एक तो डिजाइन ऐसा मिलना, साथ में 675 की पावर, बैटरी 5000 mAh की, इतनी बड़ी डिस्प्ले है वो भी फुल HD प्लस वाली, सिर्फ गेमिंग ही नहीं मीडिया कंटेंट भी अच्छा लगेगा इसके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी यार ये बुरी डील है, बहुत ही अमेजिंग डील है। 12000 के अंडर इस वक्त द बेस्ट फोन मैं इसी को घोषित करता हूँ। तो डेफिनेटली आपको मेरी बात तो अच्छी लगी गई होगी, अगर लग गई है तो यार फिर लाइक दबा दो और अगर आपको फोन परचेज करना हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में तो मैंने दे ही दिया है। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही है, Vivo U20 आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना और मेरे चैनल के रखे ख्याल की स्मार्ट एंड ऑलवेज, थैंक यू गाइस, लव यू।